एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एकता एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रैंडम से डीआईवाई वीडियो। मैंने एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था कुछ दिनों पहले, जो कि था रोज फेस पैक का। उस पर मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं कि वो जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए थे रोज पैक के, उसकी रिव्यू शेयर करने को। ओके, तो मैंने सोचा उसकी रिव्यू तो शेयर कर देते हैं, साथ ही साथ जो फेस पैक में मैंने यूज़ किए थे इन्ग्रीडियंट उसके बारे में डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि उसका थोड़ा सा बेनिफिट आप लोगों को पता चल जाए। क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में डिटेल में मैंने नहीं बताया था, बहुत जल्दी जल्दी वीडियो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं एंड मैंने ऐसे ही डाला था क्योंकि मैं उस दिन अप्लाई करना चाहती थी एंड आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रिव्यू से। सो फर्स्ट मैंने जो यूज किया था उसमें वो था एस गुडनेस का ये रोज पैटर पाउडर एंड यही आप लोगों को पसंद आया, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है गाइस ये बहुत ही अमेजिंग है। एंड रोज पैटर आप ऐसे भी यूज करते होगे, कोई भी ब्रांड का ले लो या फिर डीआईवाई आप बनाते होगे, तो रोज फेस पैक से आपकी स्किन काफी ग्लोई हो जाती है, स्किन पे काफी अच्छा जो बोलते हैं ना कि लाइटनेस आ जाता है, कहीं भी जाओगे आपकी स्किन ग्लोई सी लगेगी। सो बहुत अमेजिंग होता है, तो कभी कभी आपको ट्राई करना चाहिए रोज फेस पैक, आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। एंड ये वाला जो फेस पैक है एवरी स्किन टाइप, जो भी किसी भी स्किन टाइप को आप यूज कर सकते हो। तो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी रिव्यू। सो ये है ब्रांड से एल्फ गुडनेस ब्रांड का एंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ब्रांड नेम, नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रोज पेटल पाउडर एंड जो भी बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे पॉइंट करके काफी अच्छे से आपको यहाँ पे मेंशन किए रहते हैं कि आपको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, कि कैसे आपको यूज करना है। सो ये एक बेस्ट पार्ट होता है इनका। सो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है किसी भी तरीके की अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को होती है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप रेगुलर में, मतलब आप वीकली, जैसे दो वीक हो गया, वीक दो वीक पे आप इसको अप्लाई करो, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। सो आप इस तरीके से यूज करना, एक बार जो डीआईवाई आप यूज करते हैं वो आपके ऊपर बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देता है। सो आपको रेगुलर वे में यूज करना चाहिए। एंड देन ये कंडेंस करता है एंटी इंफ्लामेटरी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको। सेकेंड पॉइंट है ये सूथ स्किन एंड रिड्यूस रेडनेस। अगर आपके स्किन पे कोई भी रेडनेस है या किसी तरीके की पिंपल्स वगैरह के मार्क्स हैं, उसको ये हटाता है एंड आपके स्किन को काफी स्मूथ बना के रखता है। जैसा मैंने बोला था कि आपके स्किन को स्मूथ बनाएगा, ग्लोई बनाता है एंड मेंटेन करके रखता है। सो सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रमोट करता है ब्लड सर्कुलेशन एंड ये आप यूज कर सकते हो एज अ हेयर पे एज अ मास्क, क्योंकि यहाँ पे मेंशन तो किया हुआ है, मैंने यूज नहीं किया था। सो मैं जब यूज करूंगी तब इसका बेनिफिट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये ब्लड सर्कुलेशन को काफी अच्छे से बढ़ाता है एंड ये आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये आपके बालों को काफी ज्यादा सिल्की एंड स्मूथ बना के रखता है। तो ये चीजें मुझे अच्छी लगी कि आप इस प्रोडक्ट को अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड देन ये 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेचुरल है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस, क्योंकि एल्फ गुडनेस जो ब्रांड है वो नेचुरल चीजों से आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको डरने की जरूरत नहीं कि ये प्रोडक्ट आपके स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट आपको खराबी करेगा या फिर कोई भी मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नेचुरल है एंड यहाँ पे एक और पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, पहले ही मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, ये ऑल स्किन टाइप्स एंड हेयर टाइप्स के लिए। सो आप इसको यूज कर सकते हो, किसी भी स्किन टाइप हो, आपके बाल सिल्की हैं या फिर स्ट्रेट हैं, कर्ली हैं, जिस भी तरीके के हैं, आप इसको हेयर पैक की तरह भी यूज कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इसका जो मेन पार्ट आता है, जो आप लोगों को जानना जरूरी होता है, कितनी ज्यादा इसकी सेल्फ लाइफ है। सो इसका जो सेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर इसकी सेल्फ लाइफ है आपको मिलेगी एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, 90 रुपए के आपको ये रेंज में मिलता है। मैंने पर्पल से लिया था, आप भी पर्पल से इसको परचेज कर सकते हो, इजिली अवेलेबल है पर्पल पे ये एल्फ गुडनेस के प्रोडक्ट। एंड ये जो एस गुडनेस के प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी बॉडी वॉश ले लो या फिर फेस पैक ले लो, फेस वॉश ले लो, जो भी आप लेते हो ना, बहुत ज़्यादा अदर ब्रांड से इनके प्राइसेस कम होते हैं। सो कोई भी इसको इजीली वे में परचेज कर सकता है एंड इसको यूज कर सकता है। अगर आप सेल में जाते हो ना, तो पर्पल पे डेफिनेटली कोई ना कोई सेल हमेशा अवेलेबल होता है। इस टाइम में भी अगर कुछ होगा तो मैं साइड में आपको स्क्रीन शॉट शेयर कर दूंगी, तो आपको और कम रेंज में हो जाएगा एंड ये 90 रुपए का आपको मिलेगा। यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट है वो आप लोगों को यहाँ साइड में शो आउट हो जाएगा एंड यही कुछ चीजें थी जो कि फ्रंट में एंड बैक में मेंशन किया हुआ था।
और ये गाइस ये अप्लाई करने के बाद अगर आपको किसी भी तरीके की लगती है कि प्रॉब्लम हो रही है इसके बावजूद, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप इसको रिमूव कर सकते हो नॉर्मल वाटर से। तो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट पे ये दिया रहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपको इनकेस, तो आप इसको इमीडिएटली वॉश कर ले ना। इसके पैकिंग के अंदर भी एक पैक होता है जो कि एक बेस्ट पार्ट है गाइस। यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके की ट्रांसपेरेंट पैकिंग मिलती है जिसमें आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड होते हैं एंड काफी ज्यादा क्वांटिटी है। यहाँ पे जो नेट वेट है वो 50 ग्राम की है। थोड़ा सा आपको लेना होता है जब आप अप्लाई करते हो किसी भी चीज के साथ, आप इसको यूज कर सकते हो लाइक जैसे मिल्क हो गया, एलोवेरा हो गया, या फिर आप रोज वाटर के साथ भी इसको यूज कर सकते हो अपने फेस पे एंड अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इसका जो शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें आप लोगों ने बोला कि इसकी रिव्यू शेयर करने को, देन मैं इसकी रिव्यू आप लोगों के साथ आज शेयर कर दी। एंड वो जो वीडियो है मैं सोच रही थी उसका थोड़ा सा आप लोग को उसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज किए हैं वो आप लोग को शेयर कर दें, ताकि अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो ये वाला फेस पैक भी। सो फर्स्ट मैंने जो वहां पे अप्लाई किया था ये 1.5 मैंने यूज किए थे ये रोज पेटल के पाउडर। देन मैंने उसमें डाला था एलोवेरा। एलोवेरा क्या होता है ना, कोई भी फेस पैक में अगर आप यूज करते हो तो आपकी स्किन को एक तो मॉइस्चराइज कर देता है, साथ ही साथ आपकी स्किन पे किसी भी तरीके की पिंपल्स है, रेडनेस या फिर फाइन लाइन हो गए हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, उसको ये दूर कर देगा। एंड एलोवेरा ऐसे भी आप डेली वे में अप्लाई करो गाइज, वो आपके स्किन को बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। आप जो प्लांट्स वाले आते हैं ना वो भी यूज कर सकते हो, बट इस फेस पैक में आपको प्लांट्स वाले यूज नहीं करने हैं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट मिलके वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, इचिंग आएगा आपके स्किन पे एंड आपको थोड़ा सा हो सकता है कि अदर कोई रैसेस वगैरह आ जाए। इसलिए प्लांट्स वाले यूज ना करके आप अदर कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हो, जो भी मैंने तो यहाँ पे यूज किया था वो पतंजलि का था। आप चाहो तो जो ऑर्गेनिक वाले आते हैं वो यूज कर सकते हो, दूसरे ब्रांड के वाओ के बहुत अच्छे आते हैं वो भी आप इसमें ट्राई कर सकते हो। मैंने 1 स्पून डाला था बड़े वाले स्पून से, आप हाफ डाल सकते हो अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो। देन मैंने इसमें यूज किया था वो है रोज वाटर। रोज वाटर मैंने यहाँ पे वहां पे मेजर नहीं किया था कितना मैंने यूज किया, बट मैंने 15 ड्रॉप्स उसमें डाले थे जो कि लगभग हो गए 2 स्पून अगर आप लेते हो बड़े वाले स्पून से। आप डायरेक्टली उसको रोज वाटर से भी मिक्स कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसमें रोज वाटर डालने के बाद एलोवेरा डाल सकते हो और दोनों को साथ भी मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो। सो बेसिकली ये भी आपके स्किन के लिए अच्छा है रोज वाटर। रोज वाटर को भी आप यूज करते हो, जैसे आपको पता है कि ये टोनिंग का भी काम करता है अगर आप समर के टाइम में यूज करते हो आपके स्किन में। अगर जैसे एलोवेरा आपके रिंकल्स को हटाता है या रेडनेस को हटाता है, रोज वाटर भी आपके स्किन के रिंकल्स वगैरह को बहुत हद तक दूर करेगा। सो ये तीनों चीजें मैंने ऐड किया था एंड लास्ट में मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड कर दिया था गाइस, क्योंकि मिल्क में क्या होता है ना, क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे आप अगर रॉ मिल्क यूज करते हो क्लींजिंग के लिए, उससे बेस्ट कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप मार्केट से भी लेते हो तो क्लींजर, जो भी आप क्लींजर यूज करते हो, सबसे अच्छा है रॉ मिल्क यूज करना एंड उसको कॉटन पैड पे अप्लाई करके अगर आप क्लींजिंग करते हो तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा वो मिल्क ऐड कर दिया एंड उसको अप्लाई किया था मैंने, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है गाइस, जो कि हमारे स्किन के जो भी डेड सेल्स होते हैं ना उसको ये रिड्यूस कर देता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड एंड हमारे न्यू सेल्स को वो ग्रोथ करता है। सो बेसिकली मैंने सारे इंग्रेडिएंट इसमें मिक्स कर दिए थे जो हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सो इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो फेस पैक। इसमें आप कुछ चीजें स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने सारे अप्लाई किए तो आप इस तरीके से अप्लाई करो। अगर आपके पास नहीं है कोई प्रोडक्ट तो आप नहीं यूज कर सकते हो, बट ये रोज पेटल आप खुद से भी बना सकते हो। रोज के जो लिप्स होते हैं ना उसको आप थोड़ा सा मिक्सचर जार में किसी भी तरीके से थोड़ा सा उसको क्रश कर दीजिए एंड ये सारे प्रोडक्ट्स इसमें यूज करके जो भी इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं उसको अप्लाई कर सकते हो। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, क्योंकि ये आप लोगों ने डिमांड में बोला था कि आपको इसकी रिव्यू चाहिए, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया एंड एक्स्ट्रा मैंने एक वीडियो शेयर कर दी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है आप लोगों को, तो वीडियो को एक लाइक करना एंड या मेरे चैनल पर अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो एंड लाइक कर दो। मिलती हूँ फिर से इस टाइप की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।